Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। उन सवालों का जवाब आप कृपया अपने दिमाग में सोच के रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपका कीन इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, बहुत ही डीप, बहुत ही पैशनेट इंटरेस्ट है? क्या आपको, दूसरा सवाल, क्या आपको कंप्यूटर्स के साथ या कोड के साथ काम करना अच्छा लगता है? तीसरा सवाल, क्या आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है? टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है? क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आपको पढ़ने में डिफिकल्टीज आएंगी और आप टेक पाथ पर लॉन्ग वे चलने को तैयार हैं? क्या आप कंसिस्टेंट रहने और कभी एक्सपेरिमेंट करना बंद ना करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आपके ये सारे सवाल जो मैंने पूछे उनमें से एटलीस्ट चार सवालों के जवाब आपके हाँ हैं, तो आप वेलकम है साइबर सिक्योरिटी में। जी हाँ, बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि आपका बैकग्राउंड नॉन टेक ये मैटर नहीं करता है। आपका पैशन और नेवर से डाई एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी यही मैटर करता है, दैट्स इट। और अगर आप आ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक्स जानने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है सक्सेसफुल करियर के लिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं वो सब क्या है, आइए शुरू करते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मुझे डेली बेसिस पर लोगों से सुनने को मिलते हैं कि मैंने कॉमर्स लिया था, मैंने बीकॉम किया है, मैंने आर्ट्स लिया था 11th में, मैंने बीटेक नहीं किया है, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्या मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ, क्या मैं इस फील्ड में करियर बना सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अगर नॉन टेक बैकग्राउंड की बात करें तो मैं ओवरऑल सब चीज़ की बात करूंगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। तो बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, आपने हो सकता है आर्ट्स लिया हो, आपने कॉमर्स लिया हो, आपने साइंस लिया हो, तो और बहुत सारे और बैकग्राउंड्स हैं जो मुझे पता नहीं है बिना CSIT वाले, या आपने डिप्लोमा किया हो इन फील्ड्स में। अगर आप कॉलेज से हैं तो आपने BBA, MBA, BA, नॉन BCA वाले अगर आप हो, या आपने BTech किया है विदाउट CSIT लिए मैकेनिकल में, सिविल में, या आपने MBA किया हो, आप फाइनेंस वाले हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, मतलब थ्रू आउट आपने अपने पूरे स्टडीज में आपने कभी CS, IT या IP कभी नहीं लिया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, तो आपने कभी ना कभी एक कंप्यूटर ऑपरेट किया होगा। हालांकि हम सबके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन भी जो आप यूज़ करते हो वो भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर आप प्रोडक्टिव काम कर सको, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है, जो लोग साइबर सिक्योरिटी में नहीं हैं अभी, उनको क्या लगता है कि हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है? देखो, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग नहीं होती है, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। हम हमेशा कोड को देख करके सिस्टम्स को ब्रेक नहीं कर रहे होते हैं। साइबर सिक्योरिटी लोगों के बारे में भी है, लोग कैसे काम करते हैं, लोगों ने ही कोड बनाया है, कंप्यूटर बनाया है। और एक फील्ड है यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग, जो कि पूरा ह्यूमन माइंड को पढ़ने पे बेस्ड है। प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो बेसिक एथिक्स हैं सिक्योरिटी के, लाइक प्राइवेसी, सिक्योरिटी अवेयरनेस, आपके खुद के अंदर कितनी अवेयरनेस है, और ट्रेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं और बहुत सारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल जो पीपल हैं उनको ज़्यादा आता है और वो ज़्यादा एक्सेल करेंगे इस फील्ड में, ऐसा नहीं है। वो ये बेसिक सॉफ्ट स्किल्स लैक करते हैं बहुत बार। मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कि गूगल तक में RCE ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते सामने वाले के पास। तो इस मैटर पे नॉन टेक पीपल का एडवांटेज है, मतलब बहुत सारे नॉन टेक लोग होते हैं जिनकी ये सारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं। तो दोनों का यहाँ पे ट्रेड ऑफ है। तो आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। और नॉन टेक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लाइक सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग दे सकते हो,
साइबर रिस्क एंड गवर्नेंस है आपके पास, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, साइबर लॉ एंड एथिक्स है, और जो सिसो का जॉब होता है वो पूरा मैनेजमेंट का ही होता है, वो कोई टेक्निकल काम नहीं करता, वो पेन टेस्टिंग नहीं करता। उसका काम क्या है कि वो गाइडलाइंस बनाता है अपने लोगों से काम करवाने के लिए जो उसके अंडर हैं, या नई पॉलिसीज बनाना, वर्क ऑर्डर्स बनाना, नए प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, कोलैबोरेट करना टीम्स के साथ। तो ये सब काम जो है वो मेरे ख्याल से आप अभी नहीं कर पाओगे, 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सारे काम आप कर सकते हो। कुछ भी हो, इट्स बेटर टू क्लियर द बेसिक्स। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो टेक्निकल पीपल में पहले से होती है, वो पढ़ के आते हैं। बस डिफरेंस ये है कि आपको अब पढ़ना है, तो आप अब कैसे पढ़ोगे, किस मेथड से पढ़ोगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन आई वुड रिकमेंड यू टू डू सेल्फ स्टडी, मतलब इसको लर्निंग द हार्ड वे भी बोलते हैं, मुश्किल तरीके से पढ़ना, लेकिन ये आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। और ये बात टेक्निकल पीपल लोग जो हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, उन पर भी अप्लाई होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, जिसमें से सबसे पहली स्किल है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सबने चलाए हैं और आपको आता ही होगा, लेकिन आपको एक सिस्टम एडमिन लेवल की नॉलेज चाहिए, दोनों लिनक्स और विंडोज में। विंडोज सबने चलाया है, विंडोज को सब जानते हैं, लेकिन आपको लिनक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ना है, CLI। तो अगर आप लिनक्स से चालू करते हो तो बेटर है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लिनक्स इंस्टॉल करके उस पे ऑपरेट करें, और मैं बोलूंगा यूबंटू से स्टार्ट करो, वो बहुत बिगनर फ्रेंडली है। तो कमांड लाइन के बेसिक कमांड्स पढ़ लो, और फाइल सिस्टम के बारे में लिनक्स और विंडोज दोनों का। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है कमांड्स पढ़ने में, तो एक काम करो कि जो भी मेजर काम होते हैं जो आपको सीखने हैं, लाइक प्रोग्राम इंस्टॉल करना, फाइल मैनेजमेंट करना, फाइल्स वगैरह के साथ काम करना, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, और प्रोसेस मैनेज करना, डिस्क ड्राइव्स मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो काम है, ये सब आप पहले GUI से कर लो, दोनों में सीख लो, उसके बाद यही सारे काम आप CLI में करके ट्राई करना। ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम। अब दूसरी जो स्किल है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है साइबर सिक्योरिटी में, बिना नेटवर्क के साइबर सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक है? तो आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो बिना नेटवर्क के। अभी आप मुझे देख रहे हो, आप YouTube पे देख रहे हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू, एक नेटवर्क है इंटरनेट, उसी के थ्रू आप देख रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली आपके घर पे वाईफाई लगा होगा, ब्रॉडबैंड लगा होगा, तो वो उसको लैन भी बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है नेटवर्क पढ़ने का, कि आप अपने PC को उस लैन से कनेक्ट कर दो, उसके बाद आपको OSI मॉडल पढ़ना है, सारी की सारी लेयर्स का सिग्निफिकेंस, ओवरऑल सिग्निफिकेंस और सबके फंक्शंस डिटेल में पढ़ने हैं। और उसके बाद जब पढ़ लो आप, तो जो आपका PC कनेक्टेड है उसमें जो आपके पूरे लैन की जो ट्रैफिक है उसको कैप्चर करो और एनालाइज करो और विजुअलाइज करो। बेस्ट वे टू लर्न इज टू विजुअलाइज एंड एक्सपीरियंस। ऐसे पढ़ना है आपको नेटवर्किंग। तीसरी चीज़ है कोडिंग, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डेडिकेट कर दो अपने आप को कोडिंग में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। आप दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो पढ़ लो और स्पीड में स्टार्ट कर लो पढ़ना, और ग्रेजुअली रिक्वायरमेंट बेसिस पे जब भी आपको चाहिए होगा, आपको लगेगा कि कोडिंग मुझे आनी चाहिए, तो आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन टेक लोगों के लिए कोडिंग पढ़ना एक बहुत ही स्टीप लर्निंग कर्व है और टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको मतलब आप महीनों में भी नहीं सीख पाओगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम दे करके पढ़ना है, और हमेशा ऐसे पढ़ो कि आप साथ साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, तो वो बेटर वे है अंडरस्टैंड करने का। आप बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो, HTML पढ़ो, JavaScript पढ़ो। आपको फुल स्केल एप्लीकेशंस बनाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कोड को रीड करने के लिए पढ़ना है, तो आपको सब बेसिक लेवल पर पढ़ना है। सरफेस लेवल पर पढ़ो, HTML JavaScript बेसिक पढ़ो, और एक बेसिक सी वेबसाइट बना लो। उसके बाद आप एक जनरल पर्पस लैंग्वेज सीख सकते हो, लाइक Python। आप रिसोर्सेज के लिए मत पूछना, क्योंकि वो वन क्लिक अवे है, आपको खुद ढूंढने आना चाहिए, इंटरनेट पे भरा पड़ा है। चौथी चीज़ है मेरी सेल्फ स्टडी प्लेलिस्ट। आपके लिए एक सरप्राइज़ है, एक बात है, आपको मैंने जो भी स्किल्स इससे पहले बताई है ना, ये सारी आप खुद से सीख सकते हो फ्री में, जी हाँ। तो आप खुद के ईज में बैठो और सब कुछ आपके हाथों में, इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी प्लेलिस्ट आपको ये बताएगी कि खुद की मदद कैसे की जाए, और
जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो वो सब कुछ, उन सब चीजों के लिए बेस्ट रिसोर्सेस कैसे ढूंढे जाएं, तो आप इंटरनेट पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और तब आप रियलाइज करोगे कि उसकी पावर क्या है। और एक बात और याद रखना कि ये जो तरीका है पढ़ने का, ये सबसे मुश्किल तरीका है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फोकस वो सब कुछ आपके हाथों में रहता है, कोई बाहर वाला आने नहीं वाला। तो ये बात याद रखना और बस प्लेलिस्ट देख लो, आपको सब पता चल जाएगा जो भी एथिक्स है। एक बात और ध्यान में रखने वाली ये है कि साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ो और आसमान छू लो, बहुत सारे डाइवर्स पाथ हैं और आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे और आपको सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। अगर मैं लिस्ट करने जाऊँ तो लिस्ट नेवर एंडिंग है, मतलब एप्सेक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, मोबाइल फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, दुनिया भर की फील्ड्स हैं यार। मतलब इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, मैं आपको एक लिंक दूंगा, नाइस फ्रेमवर्क बनाया है NIST ने, जिसमें उन्होंने सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी की जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्ट कर दी है, मेंशन कर दी है, बहुत ही अच्छी एक फ्रेमवर्क है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका देख लेना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सारी बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन एक मिनट, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पाथ हमें चूज करना है और कौन सा पाथ हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए आपको कोई जवाब नहीं है, मतलब इसके लिए आपको हर फील्ड में सरफेस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर फील्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी आप एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर हो, आपको अभी खेलने का टाइम है आपका, आप सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब कुछ एक्सपीरियंस करो, और जिस फील्ड में आपकी क्यूरियोसिटी और आपका इंटरेस्ट खत्म ही ना हो, बस उस फील्ड को चूज कर लो और पिकअप कर लो, जाओ डीप उसमें। नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है स्टे इन कम्युनिटी। मुझे याद है खुद के टाइम में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बग बाउंड्री के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं फेमिलियर नहीं था इस फील्ड से। उसके बाद मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, अब फिर ट्विटर ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि कितने प्रो हंटर्स हैं और बग बाउंड्री मतलब क्या है एक्चुअली, कितने प्रो लोग हैं वहाँ पे, और वो लोग अपनी मेथडोलॉजी, अपनी फाइंडिंग और रिसोर्सेज जो जहाँ से वो पढ़ते हैं वो शेयर करते रहते थे, और फिर मैं उनसे पढ़ता था और फिर मैं पढ़ता गया और फिर एक्सप्लोर करता गया, फिर ऐसे करके मुझे पता चला बग बाउंड्री के बारे में और मैंने वो वीडियो बनाया जो आपने शायद देखा होगा। लोगों से पढ़ने का एक प्राइसलेस एडवांटेज है, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती है, आपको एक्सपीरियंस्ड नॉलेज मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या अटेंड कर सकते हो आप। इंडिया में बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर होती हैं, बीसाइट्स है, नलकॉन है आपके पास, ओवास्प है, तो वहाँ पर जाओ, लोगों से मिलो और बात करो उनसे। ट्रस्ट मी, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा किसी भी। आप ऑनलाइन भी कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, स्लैक चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे बने हुए हैं, यूट्यूबर्स फॉलो करो। आप सबसे बेस्ट है कि आप ट्विटर अकाउंट बना लो और उसमें कुछ हैशटैग्स फॉलो करो, लाइक साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बग बाउंटी, और फिर वहाँ रेगुलरली जो लोग पोस्ट करते हैं उनको फॉलो करो और फिर देखो कि कैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। सेम चीज़ लिंक्डइन के साथ है, वैसे भी आप यूज़ करते होगे अगर आप नॉन टेक से हो तो भी। एक वो नेटवर्क है जो टेक वाले पढ़ते हैं और एक ये नेटवर्क है, तो दोनों ही प्रीशियस है मेरे हिसाब से। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और दोनों में काम करो। अब अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स, अगर आप बिजनेस बोलो या जॉब बोलो किसी में भी। अगर आपने गूगल हैक किया है और आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको वर्क हार्ड नहीं करना है, आपको वर्क स्मार्ट करना है। और आप जानते हो कि हैकिंग का दूसरा मीनिंग है टेकिंग शॉर्टकट्स, और इस फील्ड में आपको मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे निकाला जाए ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे काम टाइम टेकिंग होते हैं। आपके पास बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इस बात को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और आपको प्रोजेक्ट्स के साथ भी डील करना है तो अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने प्रोफेशनल करियर में कि रेकरिंग टास्क, मतलब जो टास्क बार बार किए जाते हैं, बार बार होते हैं, रोज़ वही टास्क वो रोज़ करते रहते हैं और उसमें खुश रहते हैं। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि आपका करियर स्टैगनेंट हो गया है, आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तो ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है, आई हेट दिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके करियर में,
प्लीज़ बी इनोवेटिव। आपको हमेशा दिमाग में नए आइडियाज़ आते रहने चाहिए कैसे पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रेजेंट करो उन्हें अथॉरिटी के सामने। रिमेंबर, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, ठीक है, सी द बिगर पिक्चर, और ऑर्गेनाइजेशन आप पर डिपेंड रहे, आपको ऐसा काम करना है। जॉब सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है ना, आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना है, बस ये माइंडसेट लेकर के चलो अपने करियर में। तो अब कंक्लूड किया जाए सब चीज़ों को, तो मैं ओवरऑल बस यही कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं वो आप किसी को भी सिखा सकते हो कोई भी कोर्स से, इन द मैटर ऑफ वीक्स, मतलब अगर हफ्तों में ना सीखे तो महीनों में सीख जाएगा, कोई भी सीख जाएगा किसी भी बैकग्राउंड से हो। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, नॉन टेक लोगों से मिल चुका हूँ जो कंप्यूटर्स की स्किल्स जानते हैं, वो कोडिंग भी जानते हैं। कोडिंग भी किसी को भी सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस कोडिंग की स्किल से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना वो बड़ी बात है। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वैसा माइंड सेट चाहिए, वो वैसी थिंकिंग चाहिए आपको। तो अगर आपके अंदर वो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप हर फेनोमेना या जो भी चीज़ हो रही है हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हो? बस एनालिटिकल माइंड की यही एक खासियत है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके, विजुअलाइज करके, ऑर्गेनाइज करके उससे एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये स्किल अगर किसी के पास है तो वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही आसानी से एक्सेल कर सकता है। तो ये चीज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बीच में जो दीवार बनाई गई है उसको तोड़ती है, और आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है किसी भी हालत में। तो इस वीडियो के बाद मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं चाहिए कि मैं बीकॉम से हूँ, मैं बीए से हूँ, या मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ? ये क्वेश्चन इनवैलिड है। आप डेफिनेटली कहीं से भी आ सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। आप क्या करते हो इस फील्ड में आके, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप सोचते कैसे हो, ये मैटर करता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डेवलप योर माइंड। हम डेली बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच मैटर करता है, ठीक है। तो मेक श्योर, मतलब ये ध्यान रखना कि जो भी मैंने बताया कि वो सब आप फॉलो करो, और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास वो टेक्निकल पीपल से बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। आप हैं और आप एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपनी करियर में लोगों के लिए, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, खासकर इस स्टेज पे जिस स्टेज पे मैं भी हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट ऐसे ही करते रहो। बस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो यार, बहुत हेल्प हो जाती है। और बस आगे की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।